हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छी होंगे। जैसा कि आपको पता है, हम ऑडिटिंग चैप्टर 15 का मैनेजमेंट ऑडिट का नेक्स्ट वीडियो करने जा रहे हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे स्टेप्स ऑफ मैनेजमेंट ऑडिट। अगर आपको इसके पिछले वीडियोस चाहिए तो आप मेरा प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करिएगा, और प्लेलिस्ट मेरे आई बटन में अवेलेबल है, वरना आप मेरे चैनल पर भी जाके इसका प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे स्टेप्स इन मैनेजमेंट ऑडिट। मैनेजमेंट ऑडिट करने के लिए क्या क्या स्टेप्स हमें रिक्वायर्ड होती हैं। रिव्यूइंग ऑफ एक्सेसिंग ऑफ ऑपरेटिव ऑब्जेक्टिव्स टू अचीव द डिजायर्ड रिजल्ट। ठीक है, जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं हमें क्या करना पड़ता है, उनको क्या करना पड़ता है, पहले रिव्यू करना पड़ता है, ताकि हम अगर हम अपना ऑब्जेक्टिव ही नहीं देखेंगे तो हमारा हमें पता क्या चलेगा कि हमारा रिजल्ट क्या है। ठीक है, हम ऑब्जेक्टिव देखते हैं, फिर उसको और एक्चुअल रिजल्ट को देखते हैं। ठीक है, रिव्यूइंग द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव गोल्स एंड डिपार्टमेंटल गोल्स। वो ओवरऑल पूरे बिजनेस का गोल देखेगा, एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का गोल देखेगा। ठीक है, उस गोल का ऑब्जेक्टिव देखेगा। ठीक है, हर गोल का ऑब्जेक्टिव देखेगा। ठीक है, ये भी ज़रूरी होता है, ऐसा नहीं होता है कि हम पूरे बिजनेस का ही क्या करें, खाली गोल डिसाइड कर ले, ऐसा नहीं होता है। हमें क्या करना पड़ता है, पर्टिकुलर एक जो डिपार्टमेंट काम कर रही होती है, हमें पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का भी गोल चेक करना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, चेकिंग सुटेबिलिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। हमने अपने एम्प्लॉयज़ को कैसा स्ट्रक्चर प्रोवाइड किया, बहुत रिजिड तो नहीं दिया, बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल तो नहीं कर दिया, तो वो एक ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर को भी क्या करती है, चेक करती है। रिव्यूइंग द परफॉर्मेंस ऑफ ईच फंक्शन एंड डिपार्टमेंट ऑफ द मैनेजमेंट बाय कंपेयरिंग विद द ऑब्जेक्टिव्स। हर की परफॉर्मेंस, हर की फंक्शन को क्या करेगी, रिव्यू करेगी और डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट से। ठीक है, और उनको क्या करेगी, कंपेयर करेगी उनके ऑब्जेक्टिव से, मतलब हर डिपार्टमेंट के फंक्शंस परफॉर्मेंस चेक करेगी, रिव्यू करेगी और उनके ऑब्जेक्टिव से मिलाएगी कि उनका जो ऑब्जेक्टिव बना था, उनका जो फंक्शन है, उनका जो परफॉर्मेंस है, उसी अकॉर्डिंग हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, इन द एंड अ रिपोर्ट इज प्रिपेयर्ड विच सजेस्ट इम्प्रूव्ड कॉज ऑफ एक्शन। ठीक है, एक लास्ट में क्या करेगी, वो एक रिपोर्ट तैयार कर देगी, जिसके बेसिस पे क्या करना पड़ता है, एक बिजनेस एक्शन लेती है। ठीक है, अगर एक्शन की ज़रूरत होती है तो। ठीक है, होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो यहीं तक था। ठीक है, होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर फिर भी कहीं भी कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड प्लीज़ 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 लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। और अगर आपको इसकी या किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए तो आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। और अगर आपको इसकी प्लेलिस्ट चेक करनी हो, या मैं किस किस वीडियो पे सब्जेक्ट पे वीडियो बनाती हूँ, तो आप मेरा आई बटन ज़रूर चेक करिएगा। थैंक यू वेरी मच।